यहाँ पर अगर मैं मधुबनी की बात करूं, अभियानंद जी हैं यहाँ पे, हमारे जितनी मेरी उम्र है उतना इनका अनुभव है। हम देखते थे बच बहुत छोटे छोटे तक कम्युनिस्ट पार्टी के मधुबनी के बहुत तेज तर्रार नेताओं में से एक नेता थे। तो हम सबके लिए सीखने लायक है ना, क्योंकि देखिए आप, मैं कहता हूं मैं तुझे विधायक बनेगा तो मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कई बार कुछ चीजें आपकी मेहनत के साथ साथ आपको जगह मिल गया, आपको पहुंच गया। यहां बैठे बहुत सारे लोग हमसे कई ज्यादा अनुभवी हो, और कुछ चीजें अनुभव से ही आती है। कुछ चीजें आप अगर मान लीजिए वहां पहुंच भी गए तो आप सब कुछ समझ के ऐसा नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीजें जब थपेड़े खाते हैं तो आप सीखते हैं। वो अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कहे ना कि वो बनने गए थे पहले एयरक्राफ्ट इंजीनियर, और जब वहां फेल हुए तो बड़े साइंटिस्ट बन गए। मतलब को उनका कहना था कि कई बार असफलता जो होती है वो आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपने अंदर झांकने का मौका देती है, कमी क्या है। सफलता आपको घमंडी बनाता जाता है, अहंकारी बनाता जाता है, तो अपने अंदर झांकते ही नहीं है। ये सब लोग थपेरे खाए हुए लोग हैं, तो जीवन का अपना एक अनुभव भी है, तो हम सब लोगों को उस अनुभव से सीखना है। देखिए अच्छी बात हमें क्या है कि हमारे साथ युवा आ रहे हैं, ज्यादातर युवाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी के प्रति है। कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत या लोक प्रेरक होने के बावजूद वहां युवाओं का आना बंद हो गया। उसके कई कारण, डिबेट में नहीं जाऊंगा, कई कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन आम आदमी के पार्टी के सिद्धांतों के साथ युवा जुड़ रहा है। तो युवाओं की एनर्जी और इनका अनुभव, इसमें अगर ठीक से हम तालमेल कर लें अगर, तो उस एनर्जी को हम सिनर्जी बना सकते हैं, अन्यथा विस्फोट होकर के भी अनुपमान जी बात कर रहे थे ना, अलग अलग दिशा में एनर्जी जा रही है और वो जिसको लगता है वही मूर्छित हो जाता है। तो हमारी अपनी एनर्जी को सिनर्जी बनाना है, हम बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और अभी वर्तमान स्थिति में जो देश की चुनौतियां हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अभी इस देश को बचाने की लड़ाई है। देश को समान स्थिति में नहीं है, समझ लीजिए आप। जिस डायरेक्शन में वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है, जो पार्टी है, वो जिस तरफ देश को ले जाना चाहती है वो बहुत खतरनाक है, और उससे बचाने के लिए युवाओं को जोड़ना पर मजबूती से समझाना पड़ेगा, क्योंकि टॉक्सिन भी दिया जा रहा है युवाओं। मैं एक टीवी डिबेट में था कल ही परसों, मैं घर से ही डिबेट कर रहा था, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि पूरे कोरोना की लड़ाई को देख लीजिए तो कभी लगा कि भारत लड़ रहा है कोरोना से, बिहार लड़ रहा है, दिल्ली लड़ रहा है, महाराष्ट्र लड़ रहा है। प्रधानमंत्री कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, आप कहते हैं देश नहीं बनने देंगे। हमने कहा तो आपने कभी देश में कप्तान भूमिका निभाई नहीं, आपने सबको अपने अपने भरोसे छोड़ दिया। मतलब जब होता है ना घर में गार्जियन सब बच्चे से पैसा ले, जब पैसा कमाता हो, जब आफत आए कहने नहीं तुम अपने हाल, तुमको मैं अलग कर दिया, तुम अपना देखो, तुम कर नहीं पाए। तो कई तरह की चुनौतियां हैं जिससे हम लोगों को लड़ना है। अब मैं अगर बिहार की बात करूं तो मैं इस बात से सहमत हूं कि लगातार आपकी उम्मीद में, आपकी एनर्जी में कई तरह के आ रहे हैं, चाहे वो पिछला चुनाव का मसला रहा हो कि कुछ लोग चाहते थे चुनाव लड़े, पार्टी से नेता ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या और मसले हों। लेकिन मुझे यह लगता है, आज मैं इसलिए सबसे बारी बारी से सुना और कई लोगों के विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, कि शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है, अभी गणपति जी कोई कह रहे थे मुझे लगता है कि बिहार के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पर कहते तो ऊर्जा आती। अभी जितने भी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, अभी तुरंत है पंजाब में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, गुजरात में चुनाव,
आप उत्तर प्रदेश में चुनाव और मणिपुर में चुनाव, गोवा में चुनाव, और इसमें हम लोग पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, कुछ भी उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए इसमें कुछ अच्छा होता है तो बिहार में भी लोगों को फिर से एक अपील, लोग वैसे भी कमोबेश कहते हैं कि भाई अभी जो केंद्र में सरकार है उसको अगर कोई चुनौती दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकता है, वो जो एक लोगों का सोचना वो थोड़े से और मजबूत होगा और धारणा बनेगी उसके बारे में। जब धारणा बनेगी तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी आएगी, पर उस जिम्मेदारी के संभालने के लिए पहले उसकी टीम होनी चाहिए, हमारी कोई जिम्मेदारी हो तो वो संभाल ले। चुनाव को लेकर कई सारी थी, कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा, कुछ लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, कुछ लोगों ने निर्दलीय लड़ा, उसके बारे में हमने पिछली बार जब आए थे विस्तार से हमने चर्चा की थी। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ के हमें शुरुआत करनी है। भाई पंकज भाई ने बताया कि हमें जिलाध्यक्ष दे देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए अगर संगठन के ठीक से काम करना है। लेकिन फिर अगर एक प्रॉब्लम और रही है बिहार में, मैं देखता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जितने लोग दिल्ली में विधायक या नेता हैं बिहार को जान से कई गुना ज्यादा मैं बिहार में संगठन को भी जानता हूं और बिहार में जो हमारे नेता हैं मैं उनको भी ठीक से समझता हूं, तो मैं मानता हूं कि हमारी प्रॉब्लम है हम आइसोलेशन डिसीजन लेते रहे, कोई कहीं कुछ डिसीजन ले लिया, वो निर्णय की जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं, तो उसके भी कई सारे दुष्परिणाम हुए। तो निर्णय समग्र होना चाहिए और मैंने ये तय किया है कुंवर मधुबनी से शुरुआत मान लीजिए इसको कि मैं पहले एक एक डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, हो सकता है राम नरेश जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनकी जेन्युइन पीड़ा है, कुछ करना चाहते, मैं नाम समझे मैं ना केवल इन्हीं को फोकस कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं राम नरेश जी का, कोई कह देंगे नहीं वही नेता है ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे साथी, अब मैं अनिल जी को बहुत दिन के बाद मिला हूं, तो ऐसे बहुत सारे साथी जिनमें ऊर्जा है, जिनमें अनुभव है, जिनमें क्षमता है, जो कुछ कर सकते हैं, पहले समझ तो लें ताकि निर्णय ठीक से हो पाए। बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत है नहीं, एक चार महीने चुनाव होना है तो आज ही डिसीजन ले लेना। मैं 2 महीने का समय मैं बिहार में सबको जो मीटिंग में कहा था मैं आज भी कह रहा हूं 2 महीने का समय मांग रहा हूं, 2 या मैक्सिमम 3 महीना मान के चलो, मैं मानता हूं कि 10-10 दिन अगर मैं हर महीने में दूंगा तो कमोबेश में डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग कर लूंगा। बहुत सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं मधुबनी में भी और पूरे बिहार में, उनको भी समाहित कर लेते हैं फिर निर्णय ले लेंगे। अभी किन्हीं व्यक्ति ने कहा कि यह निर्णय मान लीजिए आप जिला अध्यक्ष चुनते हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष सहमति होनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं तो जिला अध्यक्ष की सहमति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष चुनने से पहले पंचायत अध्यक्ष सहमति होनी चाहिए, वो कहां है हमारा, और पंचायत अध्यक्ष चुनने से पहले वहां की वोट कमेटी की होना चाहिए, इलेक्शन के प्रोसेस तो वहां से शुरू होगा ना, हम कैसे तय करेंगे कि ये ब्लॉक में जो हमारे 5 लोग हैं ये 5 लोग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब तो सिलेक्टिव प्रोसेस जब तक आता हुआ इलेक्टिव का प्रोसेस का मॉडल तैयार नहीं होगा तो सिलेक्टिव ही देना पड़ेगा हमें, इस सिलेक्टिव से इलेक्टिव में जाना पड़ेगा कि पहले हम सिलेक्टिव आपको दे दिया, अब वो हमारे विवेक पे है कि हम या हम मैं मतलब जो भी स्टेट यूनिट आपकी है कि हम हमें क्या लगता है कि कौन बेहतर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कोई ज्यादा न्यूट्रल फैसला दे सकता है तो हम दिल्ली से हम ले सकते हैं, अभी कुछ हो सकता है अपना स्वार्थ हो कि हमारे लोग हो जाएंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, तो हम और कुछ जो लोग हैं यहाँ की टीम ये एक कार्य क्षमता के अनुसार से आप उसमें हो सकता है कि गलती हो सकती है, जो अभी कलानाथ जी ने कहा कि कई बार हो सकता है रिजर्विंग अनरिजर्व बन जाए, अनरिजर्विंग रिजर्व बन जाए, ये हो सकता है, मैं ले लूंगा क्वेश्चन का। दिल्ली में जो वोट मैच था तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो सिलेक्टिव ही करना पड़ेगा, आपको सिलेक्टिव जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि किनमें क्षमता कौन कह सकते हैं। मैं मालती जी की बात को बड़ा इम्प्रेस हुआ कि देखिए
काम करने के बाद आपको पहचान जरूरत नहीं दिलानी पड़ेगी। अगर हमने किन्हीं के लिए आंदोलन करके उनका काम करा दिया तो अपने आप हम जो भी वीरेंद्र जी या अभयानंद जी या बाकी साथी कह रहे हैं अपने आप जमीन तैयार हो जाएगा। हमें एक्चुअली हमारे हमारे साथ हमारे पार्टी होने लगे, हम लोग फेसबुक के नेता बहुत ज्यादा होने लगे हैं और व्हाट्सएप नेता ज्यादा होने लगे हैं, ग्राउंड पे थोड़ा सा हम लोगों में जानना कम हो गया है। इस बात हमें कम्युनिस्ट से सीखनी पड़ेगी, कम्युनिस्ट से इस बात को हमें सीखना पड़ेगा कि ग्राउंड पे जमीन पर संघर्ष कैसे किया जाता है। तो हम ये मानते हैं जैसा मालती जी कह रही थी, तो उसको रिकॉर्ड कर रहा हो सकता है कि हम लोग अभी जमीन पे संघर्ष करें, क्योंकि लोग आपके संघर्ष से आपको जानते थे। कोई अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है इसलिए जानते हैं, यहां आपने अच्छा काम किया अरविंद केजरीवाल अच्छा हो गया, यहां आपने अगर बुरा दलाली करेगी बुरा हो जाएगा। भाई किसी ने देखा नहीं अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने सुना है कि वो संघर्ष करता है, वो डरता नहीं है, वो ईमानदार है, वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर मान लिया आपने बेईमानी कर ली थी बेईमान है, अगर आपने धोखा दे दिया धोखेबाज है। यहाँ तो आपसे तय होगा कि आप हमारी पार्टी कैसा अरविंद केजरीवाल कैसा, यहाँ अगर आप अच्छा करेंगे तो हमारी पार्टी को और अच्छा हो जाएगा। यहाँ ब्रांड एक एक व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं आम आदमी पार्टी की, तो टोपी पहनने का जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर कोई व्यक्ति से नहीं जाने जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग तौर पर जाने जाएंगे। तो मैं दो तीन चीजें मैं इसको अपने समराइज करता हूं। पहली बात कि अभी हमने एक निर्णय लिया था कि जहां जहां जिला में जिला अध्यक्ष ने चुनाव लड़ा था वहां प्रभारी की जिम्मेदारी हमने दिया था, और जहां जहां जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने पार्टी के लिए काम किया था वहां उन्होंने जिला अध्यक्ष रखा था और साथ में प्रभारी भी रखा था चुनाव के प्रसंग में, पंचायत चुनाव को लेकर स्टेट को लेकर के कई सारे सवाल हैं, वो सारा स्टेट की मीटिंग में कर लेंगे। मैं मानता हूं कि कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे और निर्णय लेंगे, बिकॉज अगर चीजों को ठीक ना रखें तो कुछ पीना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो कठोर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं बस इतना आप लोगों को अभी कह के अपनी बात को खत्म, कुछ विजय शास्त्री भी हमारे आ गए हैं कि अभी हमने शब्द की बात बहुत बारीक से सुना। हमारा जिला के बाद यूनिट हमारा ब्लॉक है, दो ही पॉलिटिकल सेंटर होता है ना, या तो ब्लॉक या जिला। तो हर विधानसभा हमारे जितने सक्रिय साथी हैं जो विधानसभा प्रभारी हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे उस जिम्मेदार साथी को ब्लॉक प्रभारी बनाए, और वो हो सकता है जो जिलाध्यक्ष की ब्लॉक प्रभारी बने, क्योंकि यूनिट मजबूत होगा उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे, या उसके जो काम करने वाले लोग होंगे। अब बहुत सारे लोग को जानता हूँ काम करने की क्षमता, मैं अच्छा काम करते हैं या मेहनत करते हैं, कुछ फुल टाइम कौन कौन है कांग्रेस में जानता हूँ, फुल टाइम है कितने लोग काम करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हमारी नजर से दूर अच्छा करते होंगे, ये भी संभव है, तो कांग्रेस लोगों में जानता हूँ। तो एक ब्लॉक प्रभारी बना लें, ये चर्चा हो रही है कि पंचायत चुनाव सितंबर अक्टूबर में होगा अगर ये कोरोना का थर्ड वेव नहीं आया, तो हालांकि जो आसार दिख रहे हैं वो थर्ड वेव आएगा, कल से महाराष्ट्र के में केसेस बढ़ने लगे, तो हम पॉजिटिव नोट पे ही अपने आप को रखते हैं, हमें फायदा होगा। फिर हमारी जिम्मेदारी है ब्लॉक में लोगों को ढूंढने की, हमारे ब्लॉक में पंचायत में कौन व्यक्ति हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन व्यक्ति हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बन जाए। इस 3 महीने में एक एक डिस्ट्रिक्ट मैं पहले एक बार हो के आता हूं और फिर आपका मैं सभी डिस्ट्रिक्ट घूमने के बाद आपका जिलाध्यक्ष आपकी पूरी टीम हमारे पास काम करने की सक्रियता, लोग कितने सक्रिय हैं अभी, कुछ लोग पहले हैं अब हैं कि नहीं है वो भी तय हो जाएगा।
कुछ लोग बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़ लेते हैं और मैं आप हम लोग आपको ये सितंबर अक्टूबर तक फुल प्लेस्ड आपको स्टेट से लेकर जिला की बना करके दे देंगे।